नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले विस्फोटक खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में। हमारी सूची का पहला नाम है न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम का, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 120.84 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और हम सबको उनके धमाकेदार बैटिंग को याद रहेगा। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के धैर्यशील खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 117.29 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। भारत के क्रिकेट के महान कपिल देव का नाम भी इस सूची में शामिल है, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 115.14 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 108.06 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। भारत के स्वेग के तारे वीरेंद्र सहवाग ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 106.17 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप में 98.25 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। दूसरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड नॉर्नन ने भी अपनी टैलेंट की प्रशंसा कराई और ओडीआई वर्ल्ड कप में 98.12 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप में 98.01 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। हमारी सूची में भारत के हिटमैन रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 95.97 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अंत में है भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन, जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 94.21 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। तो इस वीडियो में हमने आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले विस्फोटक खिलाड़ियों की लिस्ट दिखाई। कृपया हमें बताइए कि आपका इनमें से कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा लगा और किसकी बल्लेबाजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।